वेट कर लो थोड़ा दो ही है सर यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है आपका काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताना चलिए हम्म ठीक है हेलो एवरीवन सो हाय i am amit singh and a network tester with the 2 years of experience and i hold many certifications like ch v12 from the ec council and the second one is your pnpt from the tcm security and today we are discussing about the pivoting and the port redirection right so now we can start okay so give me a little bit second i am sharing some ओके सो आई थिंक इज इट विजिबल से yes. On ऑन योर चैट बॉक्स अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो आई मैसेज कर दीजिए एक बार चैट में आ, हाँ आ रही है ओके सो स्लाइड पे आ जाते हैं राइट right? तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं uh, ओके सो इज इट योर पोर्ट फॉरवर्डिंग एंड दी पोर्ट फॉरवर्डिंग एंड दाइवेटिंग ओके तो स्टार्ट करते हैं तो पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या है एंड दी पाइवेटिंग क्या है वो हम देख लेते हैं तो अगर आप कोई भी सी टी एफ वगैरह सोल्व कर रहे हैं सही है तो अगर आपने कोई भी सी टी एफ सोल्व किया हुआ है पहले भी आपने कर रखा होगा ट्रेकमी पे हैकदा बॉक्स पे राइट या फिर वन हब से अगर उठा के तो आपने सोल्व कर रखा होगा या फिर आप प्रूविंग ग्राउंड पे गए हो जो ऑफेंसिव सिक्योरिटी का है तो अगर यहाँ पे क्या होते हैं कंपनीज़ में क्या होते हैं डी एम जेड नेटवर्कस होते हैं ठीक है तो ये नेटवर्क वो हो होते हैं जो आपके प्राइवेट नेटवर्क होते हैं तो अगर कोई ऐसी मशीन है जो प्राइवेट नेटवर्क से भी कनेक्टेड है राइट तो हम क्या कर सकते हैं हम कनेक्ट हो सकते हैं और पूरे नेटवर्क को भी स्कैन कर सकते हैं सही है तो वही चीज़ है तो एक बार मैं आ, देख लेते हैं यहाँ पे तो ये देखिए तो पहले हम इसको समझ लेते हैं आ, कि हम क्या करने वाले हैं ठीक है तो यहाँ पे देखो एक अटैकर मशीन है सो अटैकर मशीन और यहाँ पे क्या है टारगेट नेटवर्क है सो यहाँ पे पब्लिक फेसिंग सर्वर्स रख रखा है यानी कि आपकी कोई भी एक वेबसाइट हो सकती है राइट या फिर कोई भी एक सर्वर हो सकता है राइट और ये किससे कनेक्टेड है ये एक इंटरनली नेटवर्क से कनेक्टेड है जो कि हो सकता है आपका डाटा हो सकता है ठीक है और यहाँ पे लॉक्स वगैरह क्रिएट हो सकते हैं राइट तो आपके ये इंटरनल नेटवर्क से कनेक्टेड है सही है ये जो सर्वर है आपका तो यहाँ पे आपका प्राइवेटिंग का कंसेप्ट आ जाता है कि आप क्या कर सकते हो यहाँ पे नेटवर्क में जाके ठीक है जो आपका इंटरनल नेटवर्क है वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो उसको एक्सप्लोइ कर सकते हो ठीक है उसमें क्या क्या आप है वो फाइंड कर सकते हो राइट तो ये होता है प्राइवेटिंग का कंसेप्ट डन अब हम यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपके दो टाइप्स के आपको देखने को मिल जाएंगे तो फर्स्ट है आपका टर्निंग एंड द प्रोक्सिंग एंड द सेकंड वन इज अ पोर्ट फॉरवर्डिंग ठीक है सो अगर आप टर्निंग के बारे में बात करो तो ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा आपका सिक्योर आप कह सकते हो इसको सिक्योर आपका क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोक्सी के थ्रू यहाँ पे चीज़ें ट्रांसफर हो रही हैं जो आप बी वगैरह में आप यूज़ करते हैं ठीक है वहाँ पे भी आपका सॉक फोर एंड द सॉक फाइव ही आपका यूज़ होता है राइट वैसे ही आपका यहाँ पे भी तो जैसे कंपनीज़ में क्या होते हैं आपके एस एच वगैरह यूज़ होते हैं ठीक है तो वो एस एच इसलिए यूज़ होते हैं क्योंकि वहाँ पे जो कंपनी है और जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं अगर सिस्टम में अगर कोई एरर आता है कुछ प्रॉब्लम आ जाती है ठीक है तो उसको सोल्व करने के लिए तो ऐसा थोड़ी ना है कि जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है वो आएगा आपके सिस्टम पे राइट और सोल्व करेगा राइट तो ऐसा तो वो करेगा नहीं तो वो क्या करेगा एस एच की सर्विस आप में इंस्टॉल कर देता है ताकि वो जब भी अगर कोई प्रॉब्लम हो कोई ईशू हो तो उसे अगर ठीक करना हो तो वो रिमोटली कर सके ठीक है तो ये आपका जो ट्रलिंग है ना ये आपका आइडिया से भी बचा सकता है ठीक है इस केस में एंड दी अगर हम बात करें पोर्ट फॉरवर्डिंग लेकिन अगर ट्रलिंग के बारे में एक चीज़ और चीज़ है आपका अगर टर्लिंग के बारे में बात करें तो इसमें आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि क्या ये आपका अटैकर है सो अटैकर क्या कर सकता है ना इंटरनल नेटवर्क में जाके किसके थ्रू पब्लिक फेसिंग सर्वर के थ्रू इंटरनल नेटवर्क में जाके और इन सभी को क्या कर सकता है स्कैन कर सकता है ठीक है और इन सभी पे जो पोर्ट्स चल रहे होंगे जैसे कि आपका ये फर्स्ट मशीन है इस पर जो पोर्ट चल रहा होगा ट्वेंटी वन या फिर ट्वेंटी थ्री राइट या फिर आपको एस या फिर एस चल रहा होगा या फिर एड चल रहा होगा तो वो भी आप क्या कर सकते हो हर एक पोर्ट को आप क्या कर सकते हो स्कैन कर सकते हो और इनमिनेट कर सकते हो आप खुद की मशीन से अटैकर क्योंकि जो पब्लिक अगर आपने जो सर्वर है इसको आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो इसके पास तो सारे टूल्स तो होंगे नहीं कभी सही है और अगर हम बात करें इसके पोर्ट फॉरवर्डिंग के बारे में फॉरवर्डिंग so में आप क्या कर सकते हो बस पर्टिकुलर एक मशीन का एक सिंगलर पोर्ट को ही आप क्या कर सकते हो रिडायरेक्ट कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पे भी आपका बस वही चीज लिखा है कि आप सिंगल पोर्ट को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं रिडायरेक्ट करते हैं ठीक है ठीके? अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी चीजें आ जाती हैं जैसे प्रॉक्सी तो प्रोक्सी में आपका क्या आता है अगर आपको कोई आ, यहाँ पे टूल्स भी हम बता रखा है कि यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप एन स्कैन यूज कर सकते हैं ठीक है मल्टीपल पोर्ट्स को स्कैन कर सकते हैं विद द यूजिंग प्रॉक्सी ठीक है अगर आप प्रोक्सी अगर आप यूज करते हैं तो ठीक है लेकिन अगर पोर्ट फॉरवर्डिंग के बारे में बात करें सो पोर्ट फॉरवर्डिंग में बस आपको एक एक सिंगल एक टारगेट मिल सकता है और उसका एक एक्चुअल में एक पोर्ट मिल सकता है आपका ठीक है तो ये मैं दोनों चीज ही कवर करूंगा ठीक है तो ये देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इनूमेशन तो आपको पता ही है फाइव फेज ऑफ हैकिंग होता है आपका ठीक है तो हमें इनूम्रेशन करना होता है चाहे आप प्रिवलीज एस्कुलेशन करें चाहे आप किसी यूज़र के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालें राइट तो इनम्रेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो यहाँ पे भी हम इनेशन करते हैं तो अगर आपने क्या किया है एक वेब सर्वर को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है राइट तो आप इनम्रेशन करेंगे ठीक है अगर आप उस पर आपने रूट प्रिविलेज ले लिया है तो ठीक है अगर रूट प्रिब भी नहीं लिया है तभी भी आप क्या कर सकते हैं इनूग्रेशन कर सकते हैं राइट तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे कुछ आ, मैंने यहाँ पे चीजें डाल रखी हैं तो पांच तरह से आप यहाँ पे नेटवर्क को इनूम्रेट कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे क्या है? आर आर्प स्कैन से आप आर, आर्प स्कैनिंग यूज कर सकते हो ठीक है ये आपके आर कुछ पैकेट्स होते हैं वो नेटवर्क में आपके डिलीवर्ड uh, होते हैं देन आपको रिस्पांस बैक मिलता है सही है फिर आ जाता है आपका प्री इंस्टॉल टूल अगर वहां पे जो आपका सिस्टम है जो आपका वेब सर्वर है अगर वो लिनिक्स बेस्ड है तो अगर वहां पे कोई टूल्स आपको देखने को मिल जाता है ठीक है तो आप उसके थ्रू क्या कर सकते हो स्कैनिंग परफॉर्म कर सकते हो राइट एंड स्टैटिक कंपाइल्ड बाइनरी और यहाँ पे टूल्स है तो हम यहाँ पे स्टैटिक कंपाइल्ड बाइनरी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं जैसे कि अगर आपके जो विक्टिम है जो आपने ये कॉम्प्रोमाइज कर रखा है ये वेब सर्वर ये कॉम्प्रोमाइज कर रखा है और यहाँ पे कोई टूल्स वगैरह भी नहीं है ठीक है और इन टूल्स भी नहीं है और आप स्कैनिंग भी यहाँ पे काम नहीं कर रही है देन यू कैन गो विद दी और स्टैटिक वायनरी ठीक है तो यहाँ पे वही बात कर रखी है स्टैटिक तो अगर मैं बात करूँ तो स्टैटिक बाइनरी आप डाउनलोड भी कर सकते हैं तो अगर आप यहाँ पे आते हैं एंड स्टैटिक ठीक है सो स्टैटिक बाइनरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी तो एक एंड्रू करके आपको कीट uh, की रैपो मिलेगा उसमें आप जाएंगे और स्टैटिक में जाएंगे प्री इंस्टॉल टूल कौन कौन से होते हैं लिनिक्स में प्री इंस्टॉल एग्जाम्पल सर ओके ठीक है सो प्री इंस्टॉल टूल जैसे कि लिनिक्स में हो गए आपके नेट डिस्कवर हो गया आपका ठीक है आर्प स्कैन हाइफन एल हो गया आपका ठीक है जो आर्प आपका पैकेट आपका ट्रांसफर होता है राइट right? नेटवर्कस के अंदर तो ये सारे होते हैं आपके जो बाई डिफॉल्ट होते हैं आप देखने को मिल जाएंगे लेकिन अगर वो एज अ वेब सर्वर है अगर वहां पे नहीं होता है देन यू कैन गो विद दी और स्टैटिक बाइनरी ओके तो स्टैटिक बाइनरी से आप जा सकते हैं तो यहाँ पे क्या होता है स्टैटिक बाइनरी आपकी यहाँ पे सो कैट एंड मैप की आपको स्टैटिक बाइनरी मिल जाएगी तो ये आप यूज कर सकते हैं तो जैसे कि आपकी जो विक्टिम है ठीक है और उस मशीन पे आपका कोई भी स्कैनिंग के लिए कोई टूल नहीं है राइट right? तो आप एन से आप क्या कर सकते हैं ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो आपको एन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है वहाँ पे ठीक है ना तो आपके पास राइट्स मिलेंगे आप एन वगैरह इंस्टॉल कर सकें उनकी मशीन पे वो कुछ भी हो सकता है आपका आपका वो सेंट ओएस हो सकता है राइट right? रेड हैट हो सकता है ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनिक्स बेस्ड राइट तो यहाँ पे देखो एन तो एन की स्टैटिक वाइनिंग आप जैसे ही ट्रांसफर करेंगे ठीक है तो ये आपका बिल्ड डॉट एस है तो आपका ये सोल्यूशन फाइल है

देखिए ये आपकी सेम टू तो सेम एज इट इज उसी की तरह काम करेगी लेकिन यहाँ पे आपका डिफरेंट मिलेगा क्या आप वहां पे यूडीपी ही कर सकते हो ठीक है और वहां पे आप कोई भी जैसे आपने स्क्रिप्ट वगैरह यूज कर रखा होगा हाइफन एस सी वगैरह डिफॉल्ट स्क्रिप्ट वगैरह राइट तो अगर मैं बात करूं जैसे कि आ, यहाँ पे आते हैं तो, सर हम वर्जन डिटेक्शन करते हैं OS के लिए वगैरह वो हाँ, वो सब आप यूज कर सकते हैं लेकिन आप कोई भी स्क्रिप्ट नहीं यूज कर सकते जैसे कि आप एन मैप करते हैं

यूजर शेयर एन मैप में दिख जाएगा तो अगर आप इसके अंदर आते हैं और अगर मैं दिखाना चाहूं सी uh, डी और लिस्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये सारी स्क्रिप्ट जो बैकग्राउंड में रन होती है आपकी yes, ठीक है sir. हाँ और अगर, अगर आपने uh, कभी एफ टी पी वगैरह किया होगा कोई इंफॉर्मेशन गैदरिंग करी होगी तो ये अगर आपने देखा होगा तो एफ टी पी अनोन करके आपकी एक स्क्रिप्ट चलती है बैकग्राउंड में स्कैन रिजल्ट में आपका दिखाया जाता है तो ये उसके वजह से हो रहा है आपका

हाँ आप साइज से परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन आप इस स्क्रिप्ट वगैरह आप यूज़ नहीं कर सकते यू स्कैन नहीं परफॉर्म कर सकते हो ठीक है yes. तो अगर आपको बिल्ड करना है तो आप इसे बिल्ड भी कर सकते हो तो अगर मैं एक सेकेंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे आ जाते हैं सो अगर आप एन मैप करेंगे एन मैप ठीक हब सो आप इसको बिल्ड भी कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे सॉल्यूशन फाइल्स मिल जाएगी मेक फाइल मिल जाएगी देन यू कैन गो विथ सर मतलब ये मेक फाइल है इंस्टॉल करने के लिए सर उस पर हमें इसको बिल्ड और इंस्टॉल दोनों करना पड़ेगा वहां पे बिल्ड, आ, बिल्ड करना पड़ेगा आपको पहले अपनी सिस्टम पे देन उसके बाद मेक करना पड़ेगा हाँ मेक फाइल तो आपका होता है हेलो हाँ सर ठीक है अभी मैं कहीं बाहर हूँ ठीक है सो समझ में आया क्या स्टैटिक बाइनरी यस सर राइट right? आपको और भी चीजें आ जाती हैं जैसे कि यहाँ पे स्क्रिप्टिंग टेक्निक्स आ जाती है आप स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो अगर अगर आपकी कंपाइल बाइंडरी काम नहीं कर है सो यू कैन गो विदर स्क्रिप्टिंग सो यहाँ पे आप बैस स्क्रिप्टिंग के थ्रू जा सकते हो एन मैप से आप uh, लिख सकते हो तो एन मैप वगैरा और आपको काफी सारी लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएगा पी एच पी वगेरा गेटअपे तो जैसे कि हम वो पेन टेस्ट मंकी जो एक पीएचपी के अंदर लिखी हुई स्क्रिप्ट है उसको हाँ, हाँ जैसे कि हाँ जैसे कि पेन टेस्टर मंकी वाला जो आपका है ना वो क्या आपका एक पेलोड है आपका ठीक है आपको रिवर्स आता है अगर आप Uh, किसी सिस्टम पे डालते हैं एंड देन अगर सिस्टम से अगर आप उसे रन कर रहे हैं ठीक yes, है सर, हाँ, हाँ. तब आपके पास आता है रिवर्सल आपका जो सिस्टम है विक्टिम का जो सिस्टम है वो रन भी करना चाहिए और वो किस में लिखा हुआ है पीएचपी में लिखा हुआ है देन आपके विक्टिम की सिस्टम पे पीएचपी भी इंस्टॉल होना चाहिए देन आपके पास एग्जीक्यूट करेगा देन रिवर्सल आता है आपके पास यस yes, सर सही है तो सर हम विक्टिम की मशीन पे किस तरह की टूल मतलब के अंदर पूरा टूल लिखेंगे वहां पे इस हाँ देखिए यहाँ पे पांच टेक्निक्स मैंने बता रखी है आपको ठीक है या तो आप आर पे स्कैनिंग परफॉर्म कर सकते हैं अगर सिस्टम पे है या फिर अगर वहां पे और भी टूल्स है नेट बायोस वगैरह नेट डिस्कवर करके टूल्स हैं देन आप वो एग्जीक्यूट एक्ष, कर सकते हैं स्टैटिक बैनरी ट्रांसफर कर सकते हैं आप देन आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं आप खुद की एक स्क्रिप्टिंग के थ्रू आप कर सकते हैं ठीक है और एक आता है आपका क्या प्रोक्सी के थ्रू भी आप कर सकते हो ठीक है

डन तो so, यहाँ पे आते हैं और मैं सीएमडी ओपन करता हूँ ठीक है तो यहाँ पे जो मेरे नेटवर्क में तो मैं भी किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ सो आईपी कॉन्फ़िग करते हैं सो so अगर मैं यहाँ पे देखूं ये देख रहे हो तो मैं वाईफाई एडाप्टर से कनेक्टेड हूँ सो ये मुझे राउटर ने दे रखा है right? राइट डीएसीपी ने मुझे आईपी असाइन कर रखी है और ये मेरी वर्चुअल इंटरनेट है और ये मेरा बी एम वेयर का नेटवर्क है क्योंकि मैं बी एम वेयर भी यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है और ये उन सबके वर्चुअली कनेक्टेड जो मैंने बना रखे हैं वो सारी चीजें हैं सही है हाँ। अब अगर अब मुझे क्या करना है यहाँ पे परफॉर्म करना है कि इस नेटवर्क के अंदर कितने और भी मशीन्स हैं जो कनेक्टेड है राइट सो हाउ वी कैन फाइंड तो आप क्या कर सकते हो एन मैप के थ्रू भी जा सकते हो ठीक है आप स्कैनिंग के थ्रू भी जा सकते हो आप स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्टिंग के थ्रू भी जा सकते हो आप ठीक yes, है ने, और ने, ने, ने हाँ, हाँ भी आ सकते हो ठीक है तो अब देखो यहाँ पे विंडोजन पैकेट so मैंने यहाँ पे डाल रखा है ये देखो यस इसको कॉपी कर लो दे पे आते हैं और इसको देख लेते हैं अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है हम मैंने यहाँ पे एक फोल्ड लूप लगाया है राइट और यहाँ पे मैं एक वैल्यू चेंज कर रहा हूँ जो टेन डॉट टेन टेन डॉट जीरो आई सो परसेंट आई आपकी चेंज होती रहेगी ठीक है यानी कि यहाँ पे क्या होगा इंक्रीमेंट होता रहेगा तो अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ और अपने अकॉर्डिंग नेटवर्क डालता हूँ ये है मेरा नेटवर्क कॉपी कर लो इसको यस yes. और यहाँ पे क्या कर दूंगा परसेंट आई ठीक है अब ये जब स्टार्टिंग होगा ना तो ये हैंड्रेड से स्टार्ट करेगा सो अगर मैं इसे एंटर करता हूँ

चेक कर सकते हो कि वो अगर नेटवर्क से कनेक्टेड है तो आप उसपे क्या कर सकते हो परफॉर्म कर सकते हो स्कैनिंग लाइक like, इस, इस तरह, से तरह से आप कर सकते हो सर जैसे कि तो राइट सर हाँ वो एक्चुअल सिस्टम पे भी डिपेंड करता है आपका या, सर, अगर है तो सिक्सटी फोर होगा विंडोज है तो वन ट्वेंटी क्लोज करते हैं और राइट right? तो ऐसे आपको मिल जाएगा यहाँ पे यस यस पे देखो 64, 64 दिखा रहा है है एंड इसको क्लोज करते हैं ठीक है? yes, ये हो गया आपका तो इन आप इस तरह से कर सकते हो देन हम यहाँ पे एक चीज और आ जाती है आपकी पोर्ट hmm, अब हम प्रैक्टिकल के थ्रू चलते हैं ठीक है तो हमने yeah. समझ लिया है कि हमें करना क्या है राइट right? सो so हमें ये अटैकर है यहाँ पे आपका ये कोई सर्वर हो सकता है ये भी कोई मशीन है और ये कनेक्टेड है किससे तीन इंटरनल नेटवर्क uh, से कनेक्टेड है ये आपका डीएम जेड नेटवर्क है जहां पे आपकी दो तीन मशीन है राइट तो चलिए अब हम क्या करते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं विद क्या आपका आपने नेटकेट यूज किया होगा राइट हाँ है।, है ना नेटकेट आपका भी एक है स्विस आर्मी नाइफ है आपका जो हाँ। कि आप लिसनिंग के लिए परफॉर्म कर सकते हो उसे ठीक है और अगर आप फाइल ट्रांसफर करना है उसके थ्रू भी आप कर सकते हो और नेटकेट से आप स्कैनिंग भी परफॉर्म कर सकते हो ठीक है अगर किसी हाँ, सर रिवर्स कनेक्शन लिया है सिर्फ अभी तक हाँ आप नेट से आप पता है क्या कर सकते हो रिवर्स कनेक्शन तो, भी ले सकते हो उस पर और ना नेट से आप ये भी चेक कर सकते हो बैनर ग्रैबिंग भी कर सकते हो हाँ सर मतलब सामने वाले सिस्टम पे कौन सी सर्विस रन है हाँ और कौन से पोर्ट पे क्या चल रहा है वो भी आप कर सकते हो उससे यस सर ठीक है जी सर तो चलिए शुरू करते हैं फिर तो यहाँ पे आपका शो कैट है तो शो कैट भी आपका थोड़ा सा सिक्योर हो जाता है आपका ये और ये भी आपको देखने को मिल जाएगा अगर आपने कभी कल यूज किया होगा तो तो हम आ, इसके अंदर सो कैट ही यूज करने वाले हैं राइट यस yes, सर तो आपका एक ये यूनिक्स वेस आपका एक टूल है आपका ठीक है काफी अच्छा टूल है और ये आपके क्या करता है डाटा को भी ट्रांसफर करता है तो देख रहे हो यहाँ पे स्टेब्लिश बाई सेक्शनल डाटा स्ट्रीम बिटवीन द टू एंड पॉइंट्स ठीक है तो यहाँ पे बाई डायरेक्शनल आपका डाटा स्ट्रीम बिटवीन द टू पॉइंट्स तो दो एंड पॉइंट्स के बीच में आपका क्या कर सकते हो डाटा ट्रांसफर कर सकते हो विद सिक्योर ठीक है अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज आते तो हैं यहाँ पे कुछ फीचर्स भी हैं आपके जिससे डाटा ट्रांसफर आप यहाँ से डाटा ट्रांसफर भी कर सकते हो एंड द पोर्ट फॉरवर्डिंग एंड द रीडायरेक्शन ठीक है तो हम इसका ये फंक्शन यूज करने वाले हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग एंड द रीडायरेक्शन कि हम कैसे रीडायरेक्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पोर्ट को ठीक है yes, और आउट ऑफ द ट्रैफिक पे राइट right? तो हम ये देख लेते हैं एक सेकेंड तो ये तो यहाँ पे मैंने एक इमेज ले रखी है सो पोर्ट फोर्डिंग सोकेट सो यहाँ पे आपका एक काली मशीन है राइट और यहाँ पे कन्फ्लेंस जीरो वन ये आपका एक वेब सर्वर है और ये पीजी डाटा बेस ये डाटा बेस है तो आपको पता होगा जो आपके वेब सर्वर्स होते हैं उनके बैकग्राउंड में आपके क्या होते हैं डाटा बेस चल रहे होते हैं है ना yes, तो वो किसी और आई पे होते हैं आपके ऐसा नहीं है जो आपका डाटा बेस है वो आपका सेम उसी आ, मशीन पे होता है वो आपकी किसी और ज्यादातर आपको किसी और आई पे देखने को मिल जाएगा ठीक yes, है तो इन दोनों के बीच में भी आपकी क्या होती है कुछ कॉन्फिगेशन फाइल बनती है ओके okay. ठीक है अगर आपने डीवीडब्ल्यू वगैरह यूज किया होगा हाँ सर डैम वनरेबल मशीन तो उसमें आपकी कॉन्फिगेशन फाइल बनती है अगर मैं दिखाऊं जैम और ये मेरा जैम क्या है एक सर्वर है ये वेब सर्वर है अगर मैं कोई वेबसाइट्स वगैरह अगर होस्ट करनी है लोकली सिस्टम पे तो मैं वो होस्ट कर सकता हूँ और इसको आप ओवरऑल द इंटरनेट पे भी आप होस्ट कर सकते हो बस आपके पास पब्लिक आईपी होनी चाहिए और क्लाउड आप पे जा सकते हो देन आप होस्ट कर सकते हो सिंपल है ये yes. सही है तो मैं इस पर एडमिन पे आ जाता हूँ सो so, यहाँ पे मैंने एक डी होस्ट कर रखा है ठीक है डेमरेबल मशीन है आपकी

तो यहाँ पे देखो मैं ए गया एंड कॉन्फिकेशन right? तो फाइल है तभी मैंने यहाँ पे डाला क्या वन ट्वेंटी सेवन डॉट जीरो डॉट वन राइट अगर मैं कहीं और की आई पी डाल डालता अगर मेरा कहीं और वेब सर्वर मेरा होस्ट हो रखा होता जो डाटा बेस सर्वर है वो कहीं और होस्ट हो रखा देन मैं वहां पे उसकी आई पी डालता सही है Yes, sir. और ये क्या डाटा बेस का नेम है एंड ये यूजर नेम है तो अगर मैं एक्चुअल so में ये सहीजिस्ट करता है कि नहीं तो वो भी आप देख सकते हो ये देख रहे हो डीबी डब्ल्यू ए सो ये डाटा बेस है आपका एंड देन डाटा बेस में आप आते हो सो so यहाँ पे आपको रोज एंड टेबल्स आपको देखने को मिल जाएगा सही है तो यहीं हाँ. से आपका फैच कर रहा है सो so अगर आप वन लिखते हो तो एडमिन एडमिन आपका तभी यहाँ पे शोर है एडमिन Then admin. तो ये यह आपको यहाँ पे लिखा हुआ सर right, right? yes, चलिए तो ये था आपका स्टॉप कर देते हैं इसको और यहाँ पे आ जाते हैं राइट right? तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं जो आपका पी जी डाटा बेस है उसको हम एक्सेस करने वाले हैं ठीक है यहाँ पे आपका कोई भी आई चल सकती है डन तो चलिए चलते हैं तो यहाँ पे मैंने कुछ नेटवर्क्स बना रखे हैं तो वो मैं देता था पहले से ही तो यहाँ पे मैंने तीन नेटवर्क बना रखे हैं एक तो एक्सटर्नल ई एन टी इंटरनल ई एन टी एंड इंटरनल ठीक है तो यहाँ पे मैंने तीन नेटवर्क बना रखे हैं okay. तो जो आपका फर्स्ट होगा उसमें आपके दो नेटवर्क कवरअप हो जाएंगे तो इसमें मैंने क्या कर रखा है एक यहाँ पे थी राइट तो यहाँ पे काली मशीन को मैंने कनेक्ट कर रखा है आपका एक्सटर्नल इंटरनेट से ठीक yes. है हाँ। और जो कंफुलेंस जीरो नेटवर्क से कनेक्ट कर रखा है ताकि क्योंकि काली जब इसको क्या कर लेगा कॉम्प्रोमाइज कर लेगा तो ये कनेक्शन भी तो होना चाहिए ना दोनों सेम ही नेटवर्क पे होना चाहिए यस ठीक है yes, तो इसके पास क्या है और ये वेब सर्वर है तो ये डाटा बेस से भी कनेक्शन बना रहा है आपका राइट सो so, अगर ये डाटा बेस से कनेक्शन बना रहा है तो ये क्या कनेक्शन इन दोनों के बीच में भी तो इसकी आईपी होनी चाहिए ये दोनों भी सेम नेटवर्क पे होने चाहिए ना सर मतलब जो हमारा डीएमजी है वो डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट है लेकिन जो हमारी काली मशीन है वो डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट नहीं सकती नहीं जब है हाँ इसका यूज में लेना पड़ेगा पहले है ना राइट right, राइट right. सही है यस yes, सर तो हम यही चीज करने वाले हैं यहाँ पे वो हम देख लेते हैं तो यहाँ पे port है। तो हम यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव बना रखा है कि हमें क्या करना है एक्सेस करना है उनका पोर्ट एक्सेस करना है वो भी एस एच पीजी पीजी का मुझे क्या करना है एक पोर्ट है जो आपका ट्वेंटी जो चल रहा है एस वो एक्सेस करना है अपनी खुद की मशीन yes, से ठीक yes. है yes. तो जो अपना मीडिएटर तो ये रहा ठीक है डीएम क्योंकि ये कनेक्शन बना सकता है ना इसके साथ ये डायरेक्ट नहीं बना सकता तो आ, हम इसकी हेल्प लेंगे विद द यूजिंग सो कैट एंड इसका एक फंक्शन यूज करेंगे जो आपका पोर्ट रिडायरेक्शन एंड फॉरवर्डिंग ठीक है तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं तो राइट right. सो so, यहाँ पे मेरा ये अटैकर मशीन है ठीक है जो हमने वहां पे इमेज देखी थी उसके एग्जाम्पल से यहाँ पे हम आ जाते हैं राइट hmm. right.

ठीक है ये जो था आपका ये किससे कनेक्टेड होगा ये आपका एक्सटर्नल से कनेक्टेड होगा ठीक है तो अगर मैं ये चेक करूं इसकी आईपी ए चेक करता हूं तो मैं इंटरफेस चेक करना चाहता हूं तो यहाँ पे आपका दिखा रहा है ये जीरो से कनेक्टेड है और इसको क्या आई मिली है वन नाइन टू डॉट टेन डॉट टेन डॉट वन ट्वेंटी एट वाली ठीक है ये। तो ये, ये, ये आपको ये। मिला हुआ है आपको अटैकर को मिला हुआ है राइट राइट ये वाली आईपी देन

तो अगर मैं इसको चेक करूं आईपी आईपीए चेक करता हूं इसका तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये किससे कनेक्टेड है ये टेन नेटवर्क से भी कनेक्टेड है ठीक है राइट तो चलिए शुरू करते हैं फिर तो सबसे पहले मुझे इस वेब सर्वर का शेल लेना पड़ेगा राइट right? तो शेल आपका क्या होता है जब आप किसी सिस्टम के साथ इंट्रेक्शन बनाते हो ठीक है तो अगर मैं दिखाना चाहूँ कि कितने टाइप के शेल्स होते हैं तो आप वो भी चेक कर सकते हो और कितने और किस सेल पे आप काम करो वो भी आप चेक कर सकते हो Yes, तो आप या फिर आप कर लो, एको डॉलर और शेल, राइट तो ये आपका इन्वोरेंट वेरिएबल में सेट होता है आपका अगर आप एनवी चेक करेंगे तो ये देख रहे हो आपका काली जो है वो बाय uh, डिफॉल्ट आपका जेड एस एच पे काम करता है आपका ठीक yes, है sir. आपको कई कई आपको ऐसे सिस्टम मिल जाएंगे ऐसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएंगे जो आपके बैच पे भी चल रहे हो ठीक है Yes, तो तो अगर मैं क्या क्या करता हूं? CAT, slash, ETC, और शेल्स करता और कि मेरे सिस्टम में कितने तो ये देख रहे हो यहाँ पे आपका क्या है? SHX shell है एक बैश SH शेल है आपका तो तो आर तो बैश है डैश है टीम है आपका जेड एस जिस है जिसपे हम काम कर रहे हैं एंड द एस एच ये आपका पावर शेल है ठीक है तो जो आपका लिनिक्स है वो पावर शेल भी सपोर्ट करता है आपका और

तो अगर आप, आप यहाँ पे एल एस करोगे यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि पे पे है और यहाँ आपकी ये यार। की सारी की सारी सबसे पहले मैं शेल चाहिए तो मैं यहाँ क्या यूज करता हूँ शेल लेने के लिए यहाँ पे एक लिसनर स्टार्ट करता हूँ ठीक है नहीं तो आप एमएसएफ कंसोल के एम एस एफ एन के थ्रू आप जा सकते हैं और एक रिवर्स जनरेट कर सकते हैं तो मैं सिंपली यहाँ पे एक स्टार्ट करता हूँ ठीक है सो एन हाइफन हाईफन एल वी एंड पी हाइफन एल फॉर दिसनिंग फॉर दी वर्व एंड फॉर द नो गो फॉर द योर डोमेन सर्च एंड रिजोल्व एंड द दी फॉर द योर पोर्ट सो मैं पोर्ट जो भी मेरे सिस्टम पे फ्री है तो मैं वो डाल देता हूँ सो मैं वन टू थ्री फोर डाल देता हूँ राइट राइट तो अगर मैं ऐसे लिसनिंग स्टार्ट करता हूँ ना तो अगर मैं को जो रिवर्स आएगा जो रिसीव होगा तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी क्या मैं अच्छे से पेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ राइट मैं प्रीवियस कमांड नहीं चेक कर सकता हूँ क्या चली हुई है ठीक है सो मैं ऐड करूंगा क्या इसके इसके साथ आर एल रैप देन मैं क्या कर सकता हूँ प्रीवियस कमांड्स भी चेक कर सकता हूँ कट पेस्ट भी आपका अच्छे से काम करेगा स्मूथली राइट सो so, इसकी आई पी क्या है इसकी आई पी है 192.

और ये ट्रांसफर कर देना मेरी सिस्टम पे सो मेरे पास क्या आ गया कनेक्शन आ चुका है राइट सो एल एस करता हूँ so, yes, नहीं बना हुआ है सो so, आप इसके थ्रू आप इंटरेक्टिव भी बना सकते हो तो आपको ये काफी सारे प्रोग्राम्स के थ्रू आप बना सकते हो yes, जैसे ये पैथन है आपका पर्ल है आपका राइट और भी काफी सारी चीजें हैं तो मेरे नोट्स होंगे सो मैं चेक कर लेता हूँ सो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपका पाइथन के थ्रू बना सकते हो एक्ो के थ्रू बना सकते हो बिन बैश हाइफन आई के थ्रू भी बना सकते हो आप यस yes, राइट तो अगर आपको ये चेक करना है सो आप यहाँ पे आप आएंगे एंड आप करेंगे अपग्रेड शेल अपग्रेड शेल यूजिंग पाइथन राइट सो पाइथन पे आता हूँ सो फर्स्ट वन ओपन कर लेते हैं आर्टिकल सो so, यहाँ पे आपका बता रखा है इन्होंने कैसे आप इसको अपग्रेड कर सकते हो ठीक है पीटीवाई को राइट

So, और कंट्रोल एल भी करता हूँ तो वो भी इन्फॉर्मेशन हो, हो yeah. गैदरिंग uh, का ही एक पार्ट होता है आपका ठीक है जब आप एंटर हो जाते हैं किसी सिस्टम में तो इनग्रेशन स्टार्ट करते हैं सो so, हम यहाँ पे क्या करते हैं अपना आई ए चेक करते हैं ठीक है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो तो कोई लिस्ट एल एस हाइफन एल ए करके कोई यहाँ पे कुछ लिखा तो है नहीं राइट कुछ हिडन फाइल है तो है कि नहीं कोई एस एच फाइल है कि नहीं ठीक है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ config, कॉन्फिग सॉरी आईपीए कर लो राइट सो so, यहाँ पे देखो क्या है आपका इंटरफेसिस बता दिया है कि ई टी एच जीरो एंड दी ई सो ये दो नेटवर्क से कनेक्टेड है आपका वेब सर्वर राइट right? और हमारे पास कौन सी आईपी हमारे पास तो वन नाइन सीरीज की आईपी है यानी कि

Yes, तो ये sir. आपका क्या है लिनिक्स बेस ऑपरेटिंग आपका काली लाइन है ठीक है जो मैंने बना रखा है तो यहाँ पे क्या हम क्या करते हैं से स्कैनिंग परफॉर्म करते हैं राइट सो अगर एंडमैप नहीं है यहाँ पे सो so आप जा सकते हैं स्टैटिक के साथ yes, सही है तो yes, so, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एल एस करते सबसे पहले तो यहाँ पे क्या क्या चीजें वो देख लेते हैं ओके तो हैंडमैप सो एंड में आपकी एक ऑप्शन होता है हाइफन एसन का ठीक है आप क्या करो कोई भी आपको स्कैनिंग वगैरह परफॉर्म नहीं करनी है आपको मैं एक आपको सी आई डी आर दे दूंगा उस पर स्कैनिंग करनी है और सभी स्कै... सभी आई पीस पे जाके आपको पिंग परफॉर्म करना है ठीक है सो ये देखो यहाँ पे आपका क्या सी आई डी आर है 24 के साथ सो so इसको कॉपी कर लो एंड द पेस्ट डन ताकि मुझे क्या पता चल जाएगा ये जो पीजी डाटा बेस है इसका मुझे आई पी पता चल जाएगी राइट यस सर तो मैं इसको मैं एंटर कर देता हूँ सो so अभी ये स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगा आपका नहीं तो आप इसको हाइफन भी करके वर्बोज भी लगा सकते हो आप यस सर ठीक है तो वेट yes, कर लेते हैं थोड़ा सा सर सर जब हमने इसका मतलब रिवर्स कनेक्शन लिया हम्म उसी टाइम से जो हमारा वेब सर्वर था वहां पे लॉक्स भी क्रिएट होने स्टार्ट हो गए ना हाँ अगर आप उनके लॉग्स में अगर आप चेक करोगे जैसे कि अपाचे का एक लॉग्स होता है आपका ठीक है हाँ. अगर अपाचे आप डायरेक्टरी में जाओगे और उसमें आपको एक लॉग आपको देखने को मिल जाएगा आपको ठीक है तो उसमें आपके लोग जनरेट होते हैं जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मैंने जैम्प ओपन किया था तो यहाँ पे आप देख रहे हो लॉक्स तो यहाँ पे पाचे के एक्सेस लॉग एंड एर लॉक्स अगर कोई आपने ऐसी चीजें इन्फॉर्मेशन ऐसी आपने रिक्वेस्ट डाली है जो एरर परफॉर्म हुआ है तो एरर में आ जाएगा और अगर आपने कोई टू हंड्रेड ओके आया देन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो एक्सेस लॉग के अंदर तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो आपके ऐसे लॉग्स बन जाएंगे और आपकी आई भी यहाँ पे आपकी कैप्चर्ड हो जाएगी यस yes. सर ठीक है तो अभी तो मेरे लोकल होस्ट पे दैट्स फाइन यहाँ पे कोई आईपी वगैरह नहीं शो हो रही है राइट यस सर हम्म तो सर जब हम आगे ये सब चीजें सीखेंगे तो सर हमें लॉक्स वगैरह क्लियर क्लियर करना वो वो सब सब मतलब हमारे जो फुट, जो भी की मशीन पे वो क्लियर करने हम यहाँ पे सीख सीखेंगे सर है ना न हाँ, तो अगर आप क्लियर वगैरह लॉक्स वगैरह क्लियर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं लेकिन जो लॉक्स आप क्लियर करते हो ना उसके भी आपके लॉक्स जनरेट हो जाते हैं आपको हाँ सर वही ठीक है तो वो ठीक आप की वो आप क्लियर नहीं कर सकते हो ठीक है ओके हाँ क्योंकि उसके भी लॉग जनरेट हो जाते हैं आप बंद कर सकते हो ये काम कर सकते हो आप ठीक है सर जैसे क्लियर करने से पहले अगर उनको बंद करें उसके बाद अगर उनको क्लियर करें तो तो आपके लॉग जनरेट होना ही है ठीक है सिंपल <laughs> केस है डन अब ओके देखो यहाँ पे क्या चीज आ चुकी है आपकी देखो यहाँ पे कुछ आपकी होस्ट अप दिखा रहा है ये देख रहे हो लेटेंसी के साथ

डन अब हम क्या कर सकते हैं इस पे स्कैनिंग परफॉर्म कर सकते हैं थ्रू दी एन मैप इस पे क्या क्या चीजें ठीक है वो हाँ पे हमें क्या करना है एस एच को एक्सेस करना है राइट राइट सो पोर्ट उसका एस एच को एक्सेस करना है so सो मैं सर्विस एस एच स्टार्ट कर लेता हूँ और yes, ये भी एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मांगेगा तो हो गया और यहाँ पे सर्विस स्टार्ट हो गई है अगर आप चेक करना चाहते हो तो so आप स्टेटस के थ्रू भी जा सकते हो और एक्टिव राइट यस सर डन अब हम इस पर क्या करते हैं कॉपी करते हैं देन वी कैन गो विद आवर एन मैप स्कैन सो एन मैप हाइफन एस वी फॉर दी सर्विस वर्जन एंड हाइफन पी हाइफन वी फॉर दी पर राइट सो अब ये स्कैनिंग परफॉर्म कर देगा आपका हम्म yes,

Yes, ये वाला कनेक्शन ये वाला कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन ah. वाली फाइल भी तो होगी कहीं ना कहीं यस सर देन आप उसमें भी क्या कर सकते हो आईपी फाइंड कर सकते हो अपने पीजी डाटाबेस का राइट right? और yes, साथ sir. ही साथ उसका यूजर नेम ना पासवर्ड भी आप ले सकते हो सही है जी सर अब अगर आपको यूजर नेम ना पासवर्ड अगर इसको आपको मिल चुका है तो आप क्या कर सकते हो लॉग इन कर सकते है ना कर सकते हो ना अगर आपको आप कोई क्रिडेंशियल मिलती हैं तो आपको क्या करना है अगर आपने कोई इन किया तो आप उसको ऐसा थोड़ी ना है कि राइट yes, okay. uh, right. तो यहाँ पे आ जाते हैं आप hmm. यहाँ पे डन तो यहाँ पे देखो मैं बात चल गई कि एस एच यहाँ पे क्या ऑन हो रखा है आपका ठीक है yes, ध्यान से देखना मेरी आईपी क्या, yes, uh, तो तो क्या करना है uh, मैंने कुछ कमांड्स यहाँ पे ऐड कर तो उसको समझ लेते हैं ये कमांड्स में हो क्या रहा है ठीक है क्योंकि ऐसी कमांड पुट करने से तो कोई मतलब नहीं है राइट क्योंकि हमें चीजें yes, अब देखो यहाँ पे क्या है सोकेट

सही है yes, क्यों, हमें उसका क्या एक पर्टिकुलर एक पोर्ट को एक्सेस करना है है ना, राइट? Right? तो वो आप कर लोगे सो so, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और अपनी मशीन पे आ जाते हैं राइट सो so, इसको हम एडिट करते हैं थोड़ा सा क्योंकि इसको हमें अपने हिसाब से बनाना ही पड़ेगा है ना तो so, अपना सोकेट लिसनर टू 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 फोर्क और यहाँ पे तो हमें आईपी डालनी पड़ेगी और पोर्ट डालना पड़ेगा सो so, आईपी जो हमने फाइंड किया हुआ था इंटरनल uh, नेटवर्क की सो ये आईपी थी राइट right? जिसपे हमें एस मिला हुआ है ओपन कॉपी कर लो इसको कॉपी एंड देन देन पेस्ट पोर्ट नंबर ट्वेंटी टू राइट वो एक्सेस कर लो अब देखो इस कमांड में पता है क्या हो रहा है कि जो आपका पोर्ट नंबर जो आपका ये जो इंटरनल जो आपका पीजी जी डाटा है ना उसकी आईपी का और पोर्ट नंबर ट्वेंटी ये सारी चीजें पता है क्या करना आप मेरे ना टू, टू 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 पे आप क्या कर देना सेव कर देना ठीक है तो सारी चीजें ट्रांसफर हो जाएंगी टू 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 पे देन हम एस्क्यूट जब हम करेंगे तो हम क्या लेंगे अपनी वेब सर्वर की आईपी लेंगे ठीक है ध्यान से देखना इसको कॉपी कर लेता हूं मैं इसको ये जो कमांड है ये जो आ, फोर्क वाली ये हमें वेब सर्वर के ऊपर रन करनी है राइट यस 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 ओके हां डन कुछ पूछना है इसके अंदर नहीं सर तो सर हम इसमें कोई लिसनिंग पोर्ट काम में नहीं लेंगे क्या मतलब जैसे हम नहीं, नहीं 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 ये देखो ये लिसन कर रहा है आपका हाँ, ये लिसन, आप डाल हो ना हाँ, लिसन कर रहा है, तो जो जो है, है वो क्या करता है ठीक है जो आपका वेब सर्वर है राइट हाँ, सो यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आपका स्टार्ट हो चुका है राइट अब देखो मेरा जो वेब सर्वर था उसकी आईपी क्या थी वन नाइन टू सीरीज है ना अब अगर मैं कॉपी करता हूँ अब यहाँ पे ध्यान से देखना मैं एस एस ट्राई करता हूँ एस एच और जो आपका डाटा बेस था राइट सो so, डाटा बेस का यूजर ने मुझे पता चल जाता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग से ठीक है yes, तो मैंने क्या किया डाटा बेस किया और आई पी डाली सो आई पी क्या है उसकी आ, जो हमें इंटरनल मिला हुआ है ये रहा आपका आईपी ठीक है वेब सर्वर का क्योंकि वेब सर्वर पे ही आपका टू 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 पे तो सारी चीजें चल रही है इनकी ठीक yes, है तो ये कर लो ट्रांसफर राइट एंड हाइफन पी फॉर दोर्ट नंबर आप एस 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 में आपका ऑप्शन होता है पोर्ट नंबर ही बता सकते हो तो आप टू 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 जो आपने पोर्ट नंबर साइन कर रखा है वो डाल दो डन और एंटर करते हो देन देखो पासवर्ड मांग रहा है ये सो पासवर्ड तो आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल से मिल जाएगा आपका पासवर्ड क्या है है ना yes, नहीं तो आप इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करोगे देन आप उससे आप फाइंड कर सकते हो तो so, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं पासवर्ड है सो so वो डालते हैं पासवर्ड सो so, एंटर हो गया हम पीजी डाटा बेस में ये देख लो डाटा बेस आ गया आपका अब अगर मैं यहाँ पे आईपीए करता हूँ देन ये देख लो टेन सीरीज आ, आ, आ रहा है आपका और है। इस मशीन को हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है yes. ठीक है और ये तो हमारे नेटवर्क में भी नहीं है ये जो मशीन है हमारे नेटवर्क में भी नहीं है है ना यस yes, सर और हम तो दूसरे नेटवर्क में हैं तो ये होता है आपका सो कैट के थ्रू डन समझ में आया यस सर मतलब सर जो हमारा पीजी डेटाबेस था वो कनेक्टेड था हमारी वेब सर्वर से और

विल बी क्रिएट एवरी सिचुएशन हाँ तो लोग तो आपके आ, हर कंडीशन में आपके क्या होंगे क्रिएट होंगे ठीक है yes, sir. तो इसमें तो ऐसा कोई वो है नहीं लेकिन आप आ, इसको आप ऑफ कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं लेकिन उसके भी आपके क्रिएट्स होंगे सिंपल केस है ठीक है आप ये कर सकते हैं सिस्टम को आप खराब कर दो <laughs> ये कर सकते yes, हैं ठीक है yes. तो यही इसका सोल्यूशन सिंपल केस है अब देखो यहां पर एस एच लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग तो हमने देखा ना हमने पोर्ट फॉरवर्डिंग देखी थी right? yes, कैट तो पे हम सिक्योर टनल के थ्रू चीजें होंगी आपकी सारी की सारी डन तो वो देख लेते हैं अब देखो यहाँ पे क्या था आपका एक वैन यहाँ पे आपका एक काली है यहाँ पे कॉन्फ्लु जीरो वन है राइट right? इसको yes, तो हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था यूजिंग एस के थ्रू

तो चलिए तो मैंने यहाँ पे आ, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टू है आपका ठीक है तो हमें क्या करना है एक्सेस करना है Windows के इंटरनल मशीन को ठीक है उसका कौन सा पोर्ट एस पोर्ट जी सर सही है तो उसका हम एस पोर्ट को एक्सेस करना है तो चलिए हम एक्सेस करते हैं उसको ओके तो यहाँ पे जो कुछ कमांड्स है वो मैंने यहाँ पे बता रखी है सो ऑन वेब सर्वर सो इसको हम समझ लेते हैं ये कमांड्स क्या क्या रही है ठीक है ओके राइट right. सो so, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे एस एच है राइट right? एन दी हाइफन एन हाइफन एन का मतलब क्या होता है अगर आप एस एच अगर हेल्प चेक करेंगे ना तो इसमें आपको हाइफन एन मिलेगा आपको क्या करना है आप कनेक्शन तो स्टेब्लिश करो लेकिन आप बताए कोई भी कमांड एग्जीक्यूट मत करना ठीक है हाइफन एन का मतलब क्या होता है आप स्टैब्लिश कनेक्शन कर दो लेकिन कोई भी आपको कमांड एग्जीक्यूट नहीं करनी है ठीक है बस आप एस एच का कनेक्शन बनाओ हाइफन एल हाइफन एल मीन क्या होता है आपका लिसनिंग आप किस पे लिसन कर रहे हो ठीक है तो यहाँ पे देखो आपने क्या बता रखा आप हमने सर यहाँ पे अननोन डेस्टिनेशन की आईपी कैप्चर कर रहे हैं ले रखी है कि हमें नहीं पता कि सामने जो हमारा विक्टिम है उसकी क्या आईपी है राइट सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही हेलो 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 हाँ सर अभी आ रही है ओके ठीक है अब देखो ये इसका मतलब पता है क्या है लोकल का मतलब लोकल का मतलब ये है आपका कि आपने यहाँ पे ये चीज डाल रखा है कि आप कह रहे हो कि मेरे वेब सर्वर पे ना आप क्या करो फोर फोर फाइव का एक लिसनर स्टार्ट कर दो वो भी इस आईपी पे और ये आईपी क्या होती है आपकी खुद की आईपी होती है जो आपको मिली होती है डीएससीपी से ठीक है yes. तो अगर जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो पे आप अगर कुछ चीजें होस्ट करते हो ना तो अगर आपके नेटवर्क में और भी मशीन है वो एक्सेस कर सकते हैं लेकिन अगर आप यहीं पे इसको अगर आप चेंज कर देते हो कॉपी एंड पेस्ट अगर आप यहीं पे अगर चेंज कर देते हो ना आगर तो अगर आप वन ट्वेंटी सेवन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट वन पे कर देते हैं देन इसका मतलब पता है क्या होता है आपका इसका मतलब ये होता है कि जो आ, जो आपने जो सर्विस जो यहाँ पे कर रखी है ना वो कोई भी बाहर का बंदा आपका एक्सेस नहीं कर सकता सिंपल केस ठीक है कोई भी यूजर एक्सेस नहीं कर सकता डन समझ में आया सर मतलब ये हमारा एज लोकल होस्ट की तरह या फिर खुद की मशीन पे ही चलेगा बस लेकिन बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर सकता चाहे आप नेटवर्क में क्यों ना हो जैसे आपका डीवी डब्ल्यू ए है राइट तो उसका जो डीवीडब्ल्यू है ना वो पता है कहाँ पे चल रहा है आपका वो चल रहा है आपका जीरो पे चल रहा है देन आप एक्सेस कर पाते हो अपने काली लाइने से सही yeah. है। अगर वो चल रहा होता यहाँ पे your internal SMB server. Your internal SMB server मतलब कि पे आपका इंटरनल जो आपका एस है उसकी आईपी डालनी पड़ेगी ठीक है देन उसका एक पोर्ट नंबर जो आपका पोर्ट है वो डालो तो हमें क्या करना है आपका पोर्ट एक्सेस करना है राइट जो क्या है फोर फोर फाइव एस Then, यहाँ पे क्या करना है डाटा बेस को हमने कॉम्प्रोमाइज कर ही लिया है सो डाटा बेस का आप क्या डाल दोगे यूजर नेम डाल दोगे एंड तो उसकी आई डाल दोगे राइट right? yes. अब ये बहुत ही ज्यादा इजी है और बहुत ही मजेदार है अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा सही है yes, चलें फिर प्रैक्टिकल के प्रैक्टिकल ओके yes, okay. तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं कॉपी uh, कर लो इसको और यहाँ पे आ जाते हैं सो वेब सर्वर ये रहा आपका वेब सर्वर राइट सो यहाँ पे तो ये चल रहा है आपका सो कंट्रोल जेड करते हैं सस्पेंड हो गया ये uh, कोई नहीं uh, मैं यूज करता हूँ ओके so, okay, काम नहीं कर रहा ये कोई नहीं मुझे दोबारा से में यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा और दोबारा से इसका शेल लेना पड़ेगा ठीक है

और इसको मैं कुछ एडिट करनी पड़ेगा फो में बता देता हूँ सो आई पी ए सो ये मेरी आईपी है और ठीक है तो यहाँ पे डालते हैं एस एच सो ये मैंने समझ लिया है ये कमांड क्या, क्या कह रही है यहां से लेकर यहां तक राइट अब यहाँ पे योर इंटरनल असम्बी सर्वर राइट योर इंटरनल असेंबली सर्वर की आईपी डालनी पड़ेगी तो देखो यहाँ पे मैंने एक सिस्टम और यहाँ पे स्टेब्लिश कर रखा है आपका विंडोज टेन ठीक है तो इसको मैंने कनेक्ट कर रखा है और इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ ठीक है तो यहाँ पे मेरा और भी इंटरनल नेटवर्क आ जाता है आपका तो यहाँ पे अब आप आपके तीन नेटवर्क्स आ जाएंगे वो हम देख लेते हैं कैसे तीन नेटवर्क्स आ जाएंगे जैसे कि ये कनेक्टेड होगा एक नेटवर्क से ठीक है वन नाइन टू सीरीज ये कनेक्टेड है आपका टेन टेन सीरीज से ये कनेक्टेड है वन सेवेंटी नाइन सीरीज से ठीक है तो ये देखो मैंने हाँ पे दो नेटवर्क तीन नेटवर्क बना रखे थे दो नेटवर्क का हमने कर लिया हम यहाँ पे 192 सीरीज वाले नेटवर्क और हम कहा जाएंगे 172 सीरीज वाले नेटवर्क पे जाएंगे जो हाँ पे आपका क्या चल रहा है वेब सर्वर चल रहा है राइट right? सो so yeah. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो सो so काली यहाँ पे चल रही है और यहाँ पे आपका क्या चल रहा है एक वेब सर्वर साथ ही साथ वेब सर्वर इस नेटवर्क से कनेक्टेड है और आपका क्या है डाटा बेस राइट right? yes. और अब देख लेते हैं और यहाँ पे आपका क्या कनेक्टेड है कनेक्टेड so. है इससे और आपका क्या so. कनेक्टेड so. है विंडोज का एसएमबी सर्वर ठीक yes, है विंडोज़ एसएमबी yes, uh, सही है डन अब हमें क्या करना है ना काली को एक्सेस करना है इसको एक्सेस करना है विंडोज सर्वर को ठीक है जो चल रहा है उसके पोर्ट को राइट तो इसको मिनिमाइज करते हैं और अभी ये स्टार्ट हो रहा है सो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा हम्म hmm. स्टक हो गया एक सेकेंड इसको ऑफ करते हैं सो so, इसको शायद रैम मैंने कुछ ज्यादा ही दे दिए क्योंकि मैंने सबको भी रैम दे रखी है ना यस सर हम्म तो एक बार इसको कर लेते हैं सो so, ओके okay, स्टार्ट हो गई अब हमारा टास्क क्या हमारा टास्क ये है जो हमारी काली मशीन है वहां से हमें एक्सेस करना है इसको एक्सेस करना है ठीक है तो यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक एडमिन मैंने यूजर बना रखा है और उससे लॉग हो जाते हैं हम यस सर ओके डन राइट। हम्म अब देखो यहाँ पे क्या है सीएमडी करता हूं मैं यहाँ पे एक बार और चेक करता हूँ इसके पास आईपी क्या है आईपी ये देख रहे हो इसके yes, पास क्या आई आईपी है ठीक है yes, अब ये एक्सेस करना है हमें तो इस ये एक्चुअली में दो नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है क्योंकि आपका दो नेटवर्क से कनेक्टेड होना चाहिए ये जो आपका है तो इसको मैं दो नेटवर्क दो से कनेक्टेड कर देता हूँ है ना आपका ये कनेक्टेड होना चाहिए वन सेवनटी टू वाले से भी राइट सो वन सेवेंटी टू वाले से कनेक्टेड है ये और आपका काली जो है वो है कनेक्टेड कॉपी कर लेते हैं राइट सो ये है आई पी ए सो so, ये देख रहे हो ये, रहे हो? ये, रहे हो? ये रहे तो वाले से कनेक्टेड है राइट yes, अब चलो अब यहाँ पे मुझे एक सर्विस को स्टार्ट ना एस एम बी यस सर तो हम यहाँ पे करेंगे क्या एक एस एम बी सर्विस क्रिएट कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे तो कोई कंटेंट है नहीं ओके यहाँ पे पड़ी हुई चीजें ठीक है तो वो एक्सेस कर लेते हैं तो जैसे कि यहाँ पे डी बी डब्ल्यू ए मास्टर पड़ा हुआ है ठीक है एक काम करता हूँ इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं ठीक है सो so, पे आपका हो गया राइट yes, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ नेट शेयर करता हूँ नेट शेयर होता है आपका कितने shares यहाँ पे हैं अगर इस मशीन में अगर इस मशीन ने एक भी आपका एसएमबी शेयर को यहाँ पे अलाउ कर रखा है तो वो दिखा देगा तो ये सब बाई डिफोल्ट सी आई पी सी एडमिन आपका बाय डिफॉल्ट रहता है आपका हर सिस्टम में आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है अब मैं इस डी वीड्लू को शेयर में बना रहा हूँ ठीक है तो इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ इसको मैं रख लेता हूँ शेयर नेम डी डब्लू ए ठीक है ओके सर राइट right क्लिक करते हैं प्रॉपर्टीज में जाते हैं उसको एक शेयर क्रिएट करते हैं एडवांस सर uh... हाँ सो so, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ एवरी वन एड एंड परमिशन दे देता हूँ रीड एंड राइट शेयर और ये डन हो चुका है एंड एडवांस शेयरिंग शेयर दिस फोल्डर परमिशन और यहाँ पे करता हूँ सो ये चेक हो चुका है आपका ठीक है

तो यहाँ पे हमने एक शेयर क्रिएट कर लिया है देन हम क्या कर सकते हैं इसको एक्सेस कर सकते हैं डन सही है yes, अब sir. ये चीजें बन गई इतनी चीजें बन चुकी हैं तो एक काम करता हूं उससे पहले इसका आईसीएमबी पैकेट्स पैकेट में ऑफ कर लेता सो एडवांस फायर में जाते हैं सो so, इसका आईसीएमबी पैकेट एक बार चेक कर लेता हूँ इन बाउंड आईसीएमबी पैकेट्स को unable rule, unable rule. अनेबल रूल ताकि अगर पिंक परफॉर्म करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इसका ठीक है यस yes, सर यहाँ पे आ जाते हैं सो so, देखो हमने क्या कर लिया था डाटा बेस सो डाटा को हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था yes, है ना तो कनेक्शन so, भी कट हो चुका है आपका ठीक है क्योंकि यहाँ पे आपका वो कट हो गया तो पहले इसको मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ अपना सॉकेट और कनेक्शन करते हैं सो पीजी डाटा सो राइट सो डाटा बेस कनेक्शन बन चुका है सो so, अगर मैं आई चेक करता हूँ तो यहाँ पे देख लो टेन सीरीज आ रहा है आपका एंड सीरीज आ रहा है है सही यस सर अब अब मुझे क्या करना है विंडोज टेन की आईपी फाइंड करनी है जहाँ पे आपका क्या चल रहा है एस सर्वर चल रहा है आपका ठीक है ये फाइंड करना है ना हमें यहाँ तक तो हम पहुंच चुके हैं अब हमें ये फाइंड करना है इसकी आई फाइंड करनी है सो so, चलो फाइन करते हैं हम so, सो यहाँ पे आ जाते हैं वही अपना एनमैप वगैरह से आप ट्राई कर सकते हो ठीक है सो एनमैप करते हैं या फिर आप बैश ऑनलाइन यूज कर सकते हो जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था आपको आईसीएम पैकेट्स के थ्रू सो एनमैप एनमैप हाइफन एसएन एस एन और आई पी डाल सबनेट सी आई पेस्ट कर सॉरी ठीक है एन हाइफन बी टेन ठीक है तो ये स्कैनिंग परफॉर्म हो जाएगी और हमें अपने विंडोज सर्वर की आईपी पता चल जाएगी ओके okay. सो so, ये देख रहे हो इसने हर एक आ, आई पी पे जाके जा चेक किया ट्वेंटी टू फोर जीरो टू फोर्टी वन टू फोर्टी थ्री राइट ऐसे yes, सिर्फ uh, दो तो आ, आप हाँ सो so, यहाँ पे आप देख रहे हो सो so, एक तो ये खुद का ही होगा यस yes, सर और एक है जो दिखा रहा है कि आपका वन थर्टी राइट यस सर सो वन ट्वेंटी एट वन थर्टी सो आई पी ए सो हमारा वन थर्टी है सो so उसका जो होगा आपका वन ट्वेंटी एट होगा आपका है ना वन ट्वेंटी एट होगा तो अगर मैं दिख, देखना आके और हमें पता चल गया कि इसकी आई पी ये है ठीक है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग so, जो 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 हो चुकी है वो वो लिख लो सो so, ये वन ट्वेंटी एट आई पी ए जो की आपका एक एस एमबी का है आपका विंडोज सही ये हो गया हमारा अब मुझे क्या करना है ना मुझे इसको एक्सेस करना है ठीक है तो आपको यहाँ पे आप स्कैनिंग परफॉर्म कर सकते हो इस आई so yes, किस पे चल क्या रहा है आपका हाइफन एसवी सर्विस वर्जन और हाइफन वी टेन राइट सो अगर आप डालना चाहते हो पोर्ट तो पैसिफिक पोर्ट भी डाल सकते हो आप राइट right? yes, so वो भी आपको यहाँ पे शो कर देगा डन सर yes, देख रहे हो यहाँ पे यस सर वन थर्टी आपका ये नेट बायोस होता है आपका एंड दाइव आपका क्या है यहाँ पे वन थर्टी नेट बायोस वन थर्टी फाइव आपका एम एस आर पी सी एंड दाइव फॉर दी ओर एस एम बी राइट तो ये आपका ओपन है ठीक है अब अगर आपने इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रखी है तो आप यहाँ पे आप एस एम बी क्लाइंट वगैरह यूज कर सकते हो ठीक है लेकिन अब हमें क्या करना है अपनी खुद की यहाँ से करना है अपनी अटैकर मशीन से करना है आईपीए पी यहाँ से करना है हमें ठीक है ये सर्थ. तो डाटा बेस हो गया ये वेब सर्वर हो गया राइट अब इसको क्लोज करते हैं और दोबारा से इसको परफॉर्म करते हैं क्योंकि यहाँ पे सोकेट आपका बन चुका है तो यहाँ यहाँ तक तो हमारा आ चुके हैं दैन जो हमने कमांड जो हमने कर रखी है अब हम उसको परफॉर्म करेंगे ठीक है जी सर. आप हो गया आपका और ये थी आपकी कमांड राइट कॉपी कर लो और यहाँ पे आ जाते हैं और पेस्ट करते हैं और इसको देखते इससे हमें क्या क्या चीज चेंजेस करनी पड़ेगी सो एस एच है सो so, so, यहाँ पे आपका जीरो डॉट जीरो आएगा नहीं तो ये खुद की मशीन पे हो जाएगा तो हमें आउटपुट ही मिलेगा एंड योर इंटरनल एस एम बी सर्वर राइट उसकी आई पी सो इसकी आई पी ये है कॉपी कर लो इसको और पेस्ट मशीन आईपी हाँ हाँ जी ठीक है उसका पोर्ट नंबर सो उसका पोर्ट नंबर मुझे आ, क्या चाहिए uh, यहाँ पे आ गए थे हम सो so, हमें फोर फोर फाइव फाइव ठीक है फोर फोर फाइव राइट अब ये डाटा बेस अब ये जो है यहाँ पे आपका क्या आएगा ना ये डाटा बेस का यूजर नेम आएगा और उसकी आईपी आएगी ठीक है जी सर सो डेटा बेस डेटा बेस और ये क्या आपकी आईपी आ जाएगी देन आप आईपी डाल दोगे सो so, आई पी क्या थी आपकी इस डाटा बेस की अगर मैं चेक करूँ तो कोई या तो आप यहाँ पे प्रीवियस चेक करके प्रीवियस भी आप चेक कर सकते हो क्या होगी इसकी आईपी नहीं तो आप यहाँ पे जाके चेक कर लो ठीक है लेकिन अगर स्ट्रीट एफ करोगे तो यहाँ पे आप जा नहीं सकते हो ठीक है तो आप इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में आप क्या कर लेना लिख लेना ठीक so, हाँ uh, है ये तो हमने समझ लिया था क्या हो रहा है, है ना आप। कि आपका जो आपका विंडोज वाला था ये वाला उसकी सारी चीजें कहा हो रही थी आपकी वेब सर्वर के फोर फोर फाइव पे चीजें ट्रांसफर हो रही थी राइट लेकिन वेब सर्वर के पास तो एक्सेस नहीं है इस मशीन का है ना विंडोज के लेकिन तो हम चला क्यों तो यहाँ, यहाँ पे मैं ठीक है ना तो मैं उससे कहूंगा आप लॉग इन करो देन सारी कनेक्शन जो भी होगी आपकी ये जो आपका एस एम बी सर्वर है और उसका एक पर्टिकुलर पोर्ट है मेरी खुद की लोकल पे ट्रांसफर कर देना सही है कॉपी कर लो और यहाँ पे आ जाओ वेब सर्वर राइट एंड द पेस्ट तो अगर सब चीज ठीक है सो so एंटर करो और यस yes, पूछ रहा है आपका सो so यहाँ पे आपको डाटा बेस का आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा सो वन टू थ्री देन अब ये स्टक हो जाएगा ठीक है अब इससे आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि हमने बता रखा है आपको ठीक है देन अब यहाँ पे आ जाते हैं देन अब आप क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो ठीक है आप देखो अब अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, किया इसके पोर्ट नंबर किस पे किया है फोर 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 फाइव पे क्या है ना वेब सर्वर के अगर मैं यहाँ पे वेब सर्वर की जो आईपी है वो डालता हूँ यहाँ पे सो so, वेब सर्वर की आईपी क्या थी ये थी आपकी हाँ सर ठीक है सो so, अगर मैं इस पर एन मैप करूँ एंड दी हाइफन पी सो पोर्ट बता दूँ क्या फोर फोर फाइव फाइव राइट चल रहा होगा ना फोर फोर राइट ऑन हो गया होगा एंड हाइफन बी टेन तो आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो कि उस पर क्या चल रहा है राइट right? चलिए अब इसको स्कैन को परफॉर्म होने देते हैं और अपना एस को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं ठीक है yes, यहाँ पे आ जाते हैं सो so ये आपका एस है सो so इसको आप एक्सेस कर लो एस क्लाइंट है आपका ठीक है एस एम बी मैप भी आपका एक टूल होता है जिसके थ्रू आप चेक करते हो शेयर्स वगैरह पे राइट एक्सेस है कि नहीं राइट yes, और ये आपका वेब सर्वर की आईपी आ जाएगी एंड देन आप शेयर नेम कॉपी कर लो इसको ठीक है ओपन दिखा रहा है आपका यस सर अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं एस एम बी

Uh, इसका पासवर्ड एक सेकंड पासवर्ड वन टू थ्री uh, इसका पासवर्ड एक्चुअल में uh, पासवर्ड ओके yeah. okay, uh, इसका पासवर्ड एक्चुअल में मैं भूल चुका हूँ ठीक है इसका पासवर्ड क्या था uh, कोई नहीं एक सेकेंड पोर्ट डालते हैं और पोर्ट नंबर क्या था आपका फोर फोर फाइव फाइव फोर फोर फाइव फाइव एडमिन पासवर्ड वन टू थ्री ओके okay, एक सेकंड मैं इसका पासवर्ड चेंज कर देता हूँ ठीक है सो सेटिंग में जाते हैं और इसका पासवर्ड चेंज कर देते हैं कंट्रोल पैनल ताकि हम इसको एक्सेस कर सकें ठीक है मैं इसी जहाँ पे कोई भी आपका सर्विस वगैरह वो रन कर सकता था ठीक है जैम के थ्रू ठीक है तो मैनेज में चले जाते हैं और एडमिन और चेंज पासवर्ड सो करंट पासवर्ड क्या था इसका पासवर्ड वन टू थ्री एंड वन टू थ्री रख देता हूँ पासवर्ड चेंज हो चुका है yes, और ट्राई करते हैं और वन टू थ्री तो यहाँ पे भी कनेक्शन एरर आ रहा है ओके कोई नहीं एस क्लाइंट क्लाइंट हाईफन एल और शेयर हटाता हूँ और पहले एक्सेस करते हैं ओके अभी भी नहीं आ रहा सो इसके लिए पर्टिकुलर पोर्ट के लिए हमें चेक करना पड़ेगा हाईफन पी पर्टिकुलर पोर्ट फोर फोर फाइव फोर फोर फाइव फाइव अब ये पूछ रहा पासवर्ड सो so, देख रहे हो दिखा दिया आपका जी सर राइट तो यहाँ पे देखो दिखा दिया आपका क्या डीवीडब्ल्यूए देन हाँ. अगर आपको डीवीडब्ल्यूए को एक्सेस करना है सो आप ये हाइफन एल हटाओगे फॉर दी लिस्टिंग हटाओ लिस्टिंग हटाओगे एंड दिस स्लैश और डीवी जो शेयर आप एक्सेस करना चाहते हो वो डाल दो राइट देन एंटर करते हो एंड दी हाँ बोलो आ, आ गया सर आ गया, सो अगर आप एल एस करोगे सी डी डीबी डब्ल्यू ए मास्टर एल एस करते हो सो देख रहे हो यही चीजें हैं उसमें yes, आप जाओगे यहाँ पे और इसके अंदर जो भी चीजें पड़ी yeah. होंगी डीवीडब्ल्यू मास्टर पूरी चीजें आ गई आपकी सही yes. है समझ में आया हाँ डन और सर uh, ये सभी सिस्टम एक ही नेटवर्क में होने जरूरी है क्या नहीं ये एक ही नेटवर्क में नहीं होने जरूरी है ये आपके डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क में होंगे लेकिन आपका कनेक्शन चैन भी तो बनना चाहिए ना आपका सही है यस सर तो इसलिए ओके uh, तो okay. so, अब नेक्स्ट चलते हैं राइट हेलो सर हाँ जी सर जैसे सिस्टम जैसे अलग अलग है जैसे एक जैसे आप यूज कर रहे हो क्रो वन टू फिर इसके अंदर एक अलग अलग कनेक्शन नेटवर्क होंगे तो फिर कनेक्ट हो जाएंगे हाँ आपको कनेक्ट कराना पड़ेगा जैसे कि मैंने कनेक्ट करा रखा है इसको ना इस वाली मशीन को ना कनेक्ट करा रखा है ये देखो दिखाता हूँ ये देखो ये मैंने कनेक्ट करा रखा है एक एक्सटर्नल नेटवर्क मैंने बना रखा है तो एक्सटर्नल नेटवर्क मैंने क्या असाइन कर रखा है वन नाइन टू सीरीज असाइन कर रखा है ठीक है वो भी किसके लिए काली के लिए Yes. अब अगर मैं यहाँ पे वेब सर्वर पे जाऊंगा ना सेटिंग में चेक करूंगा और अगर यहाँ पे आऊंगा सो so, सो देखो एक्सटर्नल और सेकंड क्या है इंटरनल so, मैंने दो नेटवर्क कनेक्ट कर रखे हैं तो देखो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा था इंटरनल के लिए और एक्सटर्नल के लिए तो मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल के दो मैंने कनेक्टेड कर रखे हैं आपके एक वेब सर्वर को कनेक्ट कर रखा है ठीक है यहाँ पे एक वेब सर्वर भी लिख लो ये काली नहीं है यहाँ पे एक वेब सर्वर भी आपका नेटवर्क आपने खुद ने रूप से दिया हुआ, ना? ये मैंने खुद से बनाया हुआ है जी सर। तो ऐसे मैंने है सिंगल एक ही पोर्ट को क्यों हम एक्सेस कर रहे हैं ठीक है यहाँ पे तो आपके बहुत सारे मशीन हो सकते हैं बहुत सारे आपके पोर्ट्स हो सकते हैं इस पे है ना सर एज बहुत सारे हो सकते हैं है अब वहां पे आता है आपका एस एच डायनेमिक फॉरवर्डिंग ठीक है ये तो ऐसा ओडीप तो है तो यहाँ पे क्या होता है हम सॉकेट्स का यूज करते हैं ठीक है उसके थ्रू हम सारे के सारे नेटवर्क को स्कैन कर सकते हैं उसके हर एक मशीन के हर एक पर्टिकुलर पोर्ट को भी स्कैन कर सकते हैं oh, yes, sir. राइट तो हमारा अब टास्क क्या है हमने इस वाले को कॉम्प्रोमाइज कर लिया था था राइट अब आ, हम क्या कर सकते हैं हाँ है, हमने, हमने है, और, 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 और भी यहाँ पे मशीन हो सकती है ना तो उनका भी हम हाँ एक्सेस ले सकते हैं ठीक है, है? तो वो हम देख लेते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं सो so, यहाँ पे एस एच डायनामिक पोर्ट फोवर्डिंग विद्जेक्टिव थ्री सो मैंने ऑब्जेक्टिव थ्री बना रखा है इसके अंदर

Uh, दोनों आपके 172 नेटवर्क तो में है ठीक है तो यहाँ पे मैं एक और मेटा uh, uh, कर देता हूँ ठीक है ओके सर डन और uh, यहाँ पे आ जाते हैं सही है समझ में आई है अब इस कमांड को हम देख लेते हैं समझ लेते हैं कि इस कमांड में हो क्या रहा है ठीक है अब देखो यहाँ पे आ जाओ कॉपी कर लो इसको पूरा और टैब पे चलते हैं और इस एडिट वाले को ले लेता हूं और यहां पे चलते हैं ठीक है अब देखो ये देखो यहाँ पे आपका क्या है एस एच ठीक है ये आपकी हाँ। कमांड चलेगी आपका जिससे आप आपका कनेक्शन बना हुआ है ठीक है उससे अब हाँ। देखो यहां पे एस एच है हाइफन एन मैंने बता रखा है कि आप क्या करो कनेक्शन बनाओ लेकिन आप कोई भी ऐसी कमांड एक्सिक्यूट मत करना ठीक है क्योंकि हमें तो कमांड एक्सक्लूड करानी नहीं है बस आप कनेक्शन बना दो तभी तो जो प्रीवियस जब हमने चलाया था, ये हमने और हो गया था आपका है ना राइट सो पोर्ट फॉरवर्डिंग होती है आपकी ठीक okay, है तो यहाँ पे आप क्या करो डायनेमिक पोर्ट फॉरवर्डिंग यूज करो देखो अब यहाँ पे क्या है जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो पे राइट अब यहाँ पे क्या होगा ना सारी चीजें आपकी जीरो डॉट जीरो अब ये जो आपका डाटा बेस है डाटा बेस को हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा यहाँ पे आप उसकी आईपी डालो क्योंकि डाटा बेस ही आपका कनेक्शन बना रहा है ना सबके साथ ये डाटा बेस कनेक्शन बना रहा है इसी के साथ भी इसके इसके साथ साथ भी साथ भी, साथ भी, साथ भी, साथ भी, साथ भी राइट राइट तो हमें वही चीज करना है लेकिन हमें यहाँ पे ना प्रोक्सी चेन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे क्योंकि हमें ना इन सभी नेटवर्क को इन सभी के सारे पोर्ट्स को भी एक्सेस करना है देन वी कैन गो विद आवर प्रोक्सी चेन

तो उसको हम ग्रैप कर लेते हैं और अब हम यहाँ पे चलते हैं तो हमारे पास सी मशीन आ चुकी है मेडासप्लेटेबल और इसको एग्जिट करते हैं ठीक है तो यहाँ से तो आप चेक ही कर लोगे ना कि मेडासपटेबल की आईपी क्या है है ना यस सर तो मैं वेबसाइट पे आता हूँ उसको क्लोज करते हैं और दोबारा से मुझे कनेक्शन लेना पड़ेगा और यहाँ पे आते हैं ठीक है सो मैं रिवर्स शेल आ, ओके अपग्रेड शेल हो चुका है मेरा डन और यहाँ पे आ जाता हूँ अब देखो यहाँ पे आते हैं सो मैंने इससे बोला कि आप क्या करो नाइन नाइन पे अपना एक लिस्निंग स्टार्ट करो जो आपका पीजी डाटा बेस होगा सारी चीज़ें मेरी पीजी डाटा बेस का यूज करके उसके थ्रू मैं सभी चीज़ को एक्सेस कर सकता हूँ ठीक है अब जो अपना था आपका डाटा बेस था उसकी आई क्या थी और उसका यूजर नेम सो डाटा का डाटा था Username और आईपी क्या थी ये है ना previous command से हम कर कर लेते हैं हैं लो करते अपना पे राइट right, सही है एंटर करते हैं और पासवर्ड डाल देते हैं जो पासवर्ड है डाटा बेस का पासवर्ड so, डालता हूँ सो so, ये स्टक हो चुका है आपका ठीक है अब अब हम अपने सिस्टम पे आते हैं Then we can go with the our, uh... प्रोक्सी चैन सो ये प्रोक्सी चैन को आपको एडिट करना है तो आप सूडो के राइट right से जाओगे क्योंकि yes, आप काली हो ठीक है सो ई टी सी एंड क्योंकि डायरेक्टरी है वो क्या करते हैं ठीक है यूज तो so, uh, uh, कर लो या कोई साइर पसंद है ठीक है तो यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे पे मैंने पहले से ही डाल रखा है सो so, मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे आई हाँ फॉर दी इंसर्ट एंड दी यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या डाटा बेस की आईपी आ जाएगी सो डाटा बेस की आईपी क्या थी अगर मैंने यहाँ पे लिखी हो तो कहीं अब मुझे दोबारा से चेक करना पड़ेगा एक सेकंड मैं यहीं पे चेक कर लेता हूँ इसकी आईपी क्या है uh, ये है आपके आईपी कॉपी कर लो इसको uh. कहाँ पे चल रहा है ये रहा ठीक है डन और जो अपना पोर्ट था नाइन 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 पे वो कर लो सही है सेव वैसे आप सेव कर दो देन डन सही है हो गया अब यहाँ पे आपके क्या मेटस पे टेबल की आईपी हम फाइंड कर लेते नहीं तो आप वो इन वो करो एनमे वगैरह चलाओ तो मैं जल्दी से फाइंड कर लेता हूँ so, so, देख लो क्या आई पी एस की आई पी क्या है आपके वन ट्वेंटी एट है और इसकी आपकी आई पी है 131, राइट? तो यहाँ पे आ जाते हैं अब अपना स्कैनिंग यूज करते हैं ठीक है so, सो यहाँ पे आपको एक चेंज आ जाएगा आपके यहाँ पे प्रॉक्सी चेन आपको यूज करना पड़ेगा ठीक है जो भी आप चीजें परफॉर्म करोगे ना राइट तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा प्रॉक्सी चेन परफॉर्म करना पड़ेगा ठीक है हर एक कमांड के साथ राइट तो वो मैं देख ले वो दिखा देता हूँ मैं सो so, प्रॉक्सी चेन करोगे एंड दी एन मैप और दी वर्जन जो भी आपका तो अगर मैं इसको दिखाऊं कि अब देखो यहाँ पे आपका क्या था आईपी किसकी थी मेटास्पटेबल की टेन एंड टेन वन थर्टी वन ठीक है सो सेवनटीन टन एन टेन वन थर्टी वन ठीक है अब मैं चेन का यूज करके मैं स्कैनिंग परफॉर्म करता हूँ चेक क्या क्या चीजें चल रही हैं पे इस और इनकी आईपी पे ये, ये देख रहे हो स्कैनिंग परफॉर्म हो गई यस yes, सर और ये आपका दिखा दिया पोर्ट नंबर ट्वेंटी वन है ट्वेंटी टू है ट्वेंटी थ्री तो इन सभी को एक्सेस नहीं कर सकते आप जी सर अब अब कर सकते हैं है ना और अब देखो जैसे कि आपका ये विंडोज़ था सो विंडोज पे भी मैं कुछ चला देता हूँ यहाँ पे तो बस आपका एक एस एमबी चल रहा है सो अगर मैं चलाना चाहूँ क्या म्... क्या चलाना चाहूँ जैम्प जैम्प है इसमें जैम्प है सो जैम्प से क्या करता हूँ यहाँ पे कुछ सर्विस चला देता हूँ जैसे ये चला दिया ये चला दिया ये चला दिया ये चला दिया ठीक है तो ये मैंने सारे पोर्ट्स चला दिए राइट ताकि मैं इसको भी मैं चेक कर सकूँ सो ये देख रहा हूँ यहाँ पे स्कैनिंग आपकी चल रही है ना ये भी आपका आउटपुट हो जाएगा तो हम खुद की मशीन से हम इन सभी को स्कैन कर पा रहे हैं, एक्सेस कर वो आपके ऊपर है तो एक्चुअली मैंने तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने एक काली काली ले ली है ठीक है आप कुछ भी ले सकते हो राइट अलग अलग होगी तो फिर एक्सेस मिल जाएगा नहीं नहीं कोई कुछ नहीं जाएगा सब चीज सेम ऐसा ही होता है आपका ठीक है

तो उसमें टाइम लगेगा एक सेकंड चेक कर लेता हूँ कौन क्या ये एफ एन एस वी कर दिया था ना तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको ठीक है तो आप ये चेक कर सकते हो डन समझ में आया जी सर अब हम उसको स्कैन कर लेते हैं जो हमारा विंडोज वाला था क्योंकि हमने उस पर भी काफ़ी सारी चीज़ें ऑन कर दी हैं ठीक है जी सर चलो स्कैन करते हैं उसको भी और प्रॉक्सी चेन सो इसको ले लेते हैं और न्यू टैब में ओपन करते हैं राइट और प्रॉक्सी चेन सो वन ट्वेंटी एट है आईपी विंडोज़ की और सॉरी और दोबारा से हो जाएगा ये हटाओ धन्यवाद ठीक है तो अभी ये स्कैनिंग परफॉर्म कर देगा और इसका भी हमें स्कैन मिल रहा होगा अभी तो चली रहेगी और भी स्कैन कर रही है ना आपका ये देख रहे हो SMDP, FTP, STDP, 3 है जो मैंने चलाया है बीस पे जाके इतनी सारी yes, चीजें चला रखी है ना yes. देख रहे हो ट्वेंटी वन वन फोर वन ये सारी चीजें आपकी दिखा रहा है यहाँ पे yes, मेरे खुद के मशीन पे तो मैं सबको एक्सेस कर सकता हूँ इजिली सिंपल है आपका राइट right? और अब देखो यहाँ पे आपका क्या चल रहा था इस पे अगर मैं एडमिन में जाऊंगा सो एडमिन में आपका यहाँ पे एक लोकल होस्ट पे आपका क्या चल रहा है आपका जैम uh, का आपका एक पेज चल रहा है ना आपका इसको आप एक्सेस कर सकते हो अपनी खुद की मशीन से अभी देखो अभी यहाँ पे शो हो जाएगा आपका अभी ये थोड़ी सी स्लो चल रही है इसको भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ अपने ब्राउजर से ठीक है ये देखो खाली मेटस का भी आ गया पूरा स्कैन ऐसे ही आता है ना स्कैन यस सर राइट तो समझ में आया एनी क्वेश्चन हेलो एनी क्वेश्चन ओके ठीक है सो तो राइट right? तो इतना ही था तो यह आप मेरी लिखने फॉलो कर सकते हैं ठीक है और जो आपने टाइम दिया उसके लिए थैंक यू राइट हाँ थैंक यू ओके राइट okay. right? अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो आप सब सर ये रिकॉर्डिंग सर मिल सकती है आज वाली ये वाली आज वाली रिकॉर्डिंग तो इसकी आ, हाँ। में मुझे च, पूछना पड़ेगा नहीं तो आप आ, मैसेज वगैरह ड्रॉप कर सकते हैं वगैरह पे ठीक है जहां से आपको इस यूआरएल का लिंक मिला हुआ है ओके क्रो सिक्योरिटी जी मेल पे आया हुआ मैं क्रॉस uh, सिक्योरिटी पे जहाँ से आपने ये इन किया हुआ है ठीक है जीमेल पे भी आप रिवर्ट कर सकते हैं ठीक है यहाँ शिवानी मैम से कांटेक्ट करें मिल जाएगी ना हाँ ओके हम्म थैंक यू ओके ओके अगर अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो हेलो अगर आ, सामने वाले सिस्टम के विंडो को से लेना हो तो ले सकते हो हाँ, आप वहां पे आपका आपकी विंडोस में होना तब ठीक है हाँ, आपकी कमांड्स कमांड्स में चेंजेस नहीं हो रही है आपकी ठीक है थोड़ी बहुत चेंजेस होते हैं आपके बस किसी भी सिस्टम की सर आईपी है जैसे सामने वाले की आईपी पी निकालनी हो सर्च करनी हो तो उसके लिए सर क्या कमांड होती है ये एन मैपी हाँ एन एंड मैप आप कर सकते हो एंड मैप 51sn एंड डी सीआईडीआर डाल लोगे अपना ठीक है तो अगर आ, उस नेटवर्क में जितने भी डिवाइस होंगे तो वो आपको स्कैन होके आ जाएंगे ठीक है हाँ नेट कर हां बस ये आपके नेटवर्क है जिस नेटवर्क में, में आपका सिस्टम हो जिस नेटवर्क में आपका सिस्टम हो उसी का ठीक है ओके सर थैंक यू ओके ओके तो फिर क्लोज करते हैं राइट थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड दिस वेबिनार और आप सबने काफी अच्छे से क्वेश्चन पूछे ठीक है oh.